वायरस की महामारी के कारण करीब दो साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। ज्यादातर राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद थे। कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद अब देश में फिर से स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज से कई राज्यों में बंद चल रहे स्कूल खुल जाएंगे। आपको बता दें, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खुलेंगे। वहीं यूपी में आज से 11वीं से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के निगरानी में टीमें गठित की गई हैं जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस के अनुपालन की निगरानी करेंगे। क्लास दो शिफ्ट में चलाई जाएंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से क्लास चलेंगी। आपको बता दें कि यूपी के साथ ही दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी आज से स्कूल खुल गए हैं। तो ऐसे में आज से 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं और इस दौरान बच्चों को कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करना होगा और इस दौरान फिजिकल एक्टिविटीज पर अभी भी पाबंदियां होंगी। पहले की तरह आउटडोर गेम्स वगैरह पर अभी भी रोक लगी रहेंगी। तो भाई, अगर हम बात करें असेंबली की, तो असेंबली में भी पाबंदियां हैं और ऐसे में यहाँ पर दो शिफ्ट में स्कूल खुले गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का इस दौरान बखूबी पालन करना होगा और आपको बता दें कि एक बेंच पे सिर्फ एक स्टूडेंट बैठ सकता है। इस तरीके से पूरे कोरोना गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन किया जाएगा। 4-4 घंटे की दो शिफ्ट में होंगी क्लासेस। 7 नियम लागू किए गए हैं। दूसरा नियम यह है कि एक शिफ्ट में क्लास में बैठ सकेंगे 50% स्टूडेंट्स। वही क्लासरूम में भी होगी असेंबली। आपको बता दें कि आउटडोर अब असेंबली नहीं होगी, क्लासेस में ही असेंबली होगी। इंटरवल में क्लासेस में ही करना होगा लंच, इंटरवल में क्लास में ही करना होगा लंच। और ऐसे में ये 7 नियम लागू किए हैं जिसका सख्ती से पालन करना होगा। आपको बता दें कि स्कूल ना आने वाले बच्चे घर से भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऐसे में कई नियम बच्चों के लिए यहाँ पर लागू की गई है। बच्चे अब आउटडोर असेंबली में शामिल नहीं होंगे और इस दौरान कई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। स्कूल में 2 पालियों में पढ़ाई की जाएगी। चलिए, तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, आज से स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है, बच्चों को किस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा? देखिए तरन्नुम, निश्चित रूप से तकरीबन 1.5 साल बाद अब स्कूल, यानी जो छोटे बच्चों के स्कूल है, वो चहल पहल होंगे। बच्चों की किलकारियां गुजरेगी, क्योंकि आप, मैं देखो, आप रैंपस स्कूल में मौजूद हूँ और ये काफी प्रतिष्ठित स्कूल है गोरखपुर का। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बकायदे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रहे हैं। मैं अंदर चलूँ उससे पहले मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर लेता हूँ जरा कि क्या कुछ स्थिति है और किस तरह की गाइडलाइन आई है। सर ये बताइए कि तकरीबन 1.5 साल बाद एक बार फिर से बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, ऐसे में अभिभावक भी चिंतित हैं, तो ऐसे में आप लोग किस तरह से बच्चों का ध्यान रखेंगे और किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करेंगे? सर देखिए, लगभग 16 महीने हो गए सर स्कूल बंद हुए और सर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं प्रदेश सरकार और सर केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूँ कि सर उन्होंने ये निर्णय लिया और सर हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा सर दी गई जो भी गाइडलाइन है सर कोविड-19 को लेकर के, हम लोग सर उसका अच्छा से पालन कर रहे हैं। पहले सर हम लोगों ने जो है गार्जियन से कंसेंट लिया, एक कंसेंट फॉर्म उनको भेजा, अगर उनकी विलिंगनेस है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उसे उन्हीं बच्चों को बुलाया गया। और सर ऑफलाइन और ऑनलाइन सर दोनों तरह से हम लोग उसको पढ़ाया जा रहा है और सर हमारी ट्रेन से सर 50% बच्चों को हम लोगों ने बुलाया है, बाकी बच्चे सर हमारे घर से बैठ कर ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और सर मैं फिर कहना चाहूंगा कि सर हम लोगों ने जो भी भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर के, हम लोगों ने सर एक एक लाइन को उसको क्या किया, फॉलो किया। संजय, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, आज से बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं? बंद थे जो बच्चों की शिक्षा सही से नहीं हो पा रही थी, केवल ऑनलाइन शिक्षा चल रही थी, वो अब शुरू हो चुकी है। मैं इसमें मौजूद हूँ, देखिए मेरे पीछे प्राथमिक विद्यालय ताज खुदाई है और इसमें मैंने अभी देखा है, मैं अभी लाइव से पहले मैं स्कूल के कमरे में मैं गया था जहाँ पे मैंने देखा कि तमाम बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और बच्चों को बड़े सलीके से यहाँ बैठाया गया है, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। तकरीबन 1-1 मीटर दूरी पे बच्चों को बैठाया गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने 7 गाइडलाइन
जारी किया है जिसको हर हालत में स्कूलों को पालन करना होगा। जैसे कि जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी रोकना होगा हर हालत में, जो बच्चे आपस में जो मिलते जुलते हैं उनको भी रोकना होगा। तो कुल मिलाकर के देखा गया कि जिस तरीके से आज से नए तरीके से जो स्कूल खुले हैं, जो एक से जो प्राइमरी के स्कूल खुले हैं, कक्षा एक से पांच के जो स्कूल खुले हैं, उसको पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जो स्कूल का जो स्टाफ है वो भी पूरी तरीके से इसको एहतियात बरत रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक आध केस अभी भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर के लगातार सरकार जो है कठोर निर्देश जारी कर रही है, तो उसको लेकर के स्कूलों में भी पालन किया जा रहा है। हालांकि क्योंकि बच्चों का जो स्कूल था वो काफी छूट रहा था, जो बच्चों की जो शिक्षाएं थी वो काफी छूट रही थी, लिहाजा इसको देखते हुए सरकार ने जो ये निर्णय लिया है उसका सभी लोग सराहना कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन जो जारी किया है, जो 7 गाइडलाइन दिया है, उसको किस तरीके से पालन किया जाता है। हालांकि जिस स्कूल में मौजूद हूँ वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी जा रही है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन करना होगा। हम सीधा रुक करते बुलंद शहर का, पुनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। पुनीत, किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? देखिए तरुण, मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के बनेल प्राथमिक विद्यालय पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए ये प्रधानाचार्य हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ जो एक पहले गाइडलाइंस दी गई थी कि यहाँ पर ये देखिए ये रखा हुआ है थर्मल स्कैनिंग और ये बाकायदा सैनिटाइजर रखा हुआ है। एक निगरानी समिति बनाई गई थी, वो भी लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये क्लास के अंदर मैं आना चाहूंगा कि किस तरीके से, देखिए यहाँ ये क्लास चल रही है, ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि पालन किया हुआ है। ये मैम है, ये पढ़ा रही हैं यहाँ बच्चों को, और देखिए बाकायदा यहाँ गुब्बारे लगाए गए हैं क्योंकि आज लगभग 19 महीने के बाद में ये स्कूल खुले हैं। और मैडम मेरे साथ हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, जानना चाहेंगे मैम आज 19 महीने के बाद में स्कूल खुले हैं, क्या आप लोगों की तरफ से बच्चों के लिए पढ़ाई की जा रही है और क्या कोरोना को देखते हुए क्या जो सावधानियां बरती जा रही हैं? सर, सब बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग बिठाया जा रहा है। बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये चीज़ें समझाई जा रही है कि उन लोगों को मास्क लगा के आना है और दूर दूर बैठना है। सैनिटाइजर हम लोगों ने रखा हुआ है, वो बीच बीच में हाथ धोने जाना है। और किसी बच्चे को अगर जुकाम है, खांसी है, इस तरह की कोई परेशानी है तो वो बता दें, तो वो बच्चे जरूरी नहीं है कि वो उस टाइम पे स्कूल आए। बिल्कुल है, देखिए आसाफ मैम का कहना था, मैं दिखाना चाहूंगा कि कुछ मेरे साथ बच्चे हैं, बिल्कुल मालूम करना चाहूंगा कि आज लगभग 19 महीने के बाद में स्कूल। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।